ese. क्या बोल रही हूँ? भाई मुझसे बोला नहीं जाता यार, मैं कास्टिंग डायरेक्टर वो तिग्मांशु धुलिया थे। आप कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है सर? मैं नहीं हूँ सर। आप तो आज मैं जा रहा था खिड़किया थिएटर फेस्टिवल में, जहाँ मैं आज मिलने वाला था अनुपम खेर, कुमुद मिश्रा जो रॉकस्टार मूवी में समोसे की चटनी पे लड़ाई करवा रहे थे, और तिग्मांशु धूलिया गैंग्स ऑफ वासीपुर के रामाधीर सिंह एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा। लोगों ने तो इन्हें बहुत सारी मूवी में देखा ही होगा, जैसे रॉकस्टार, आर्टिकल 50, थप्पड़, सुल्तान, टाइगर जिंदा है और भी बहुत सारे। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मुझसे बोला नहीं जाता यार, बोलिए सर। और ये थिएटर के लिए भीड़ देख के अद्भुत लग रहा है, बहुत कमाल का है, कमाल का। इनको देख के पता चला कि बड़े एक्टर्स भी इतने ऑडियंस के सामने नर्वस जरूर होते हैं। सब्र रखिए, मेहनत करते रहिए, टिके रहिए, बस बस बस। मेहनत की कमी तो बिल्कुल नहीं है सर, टिके भी पूरे हैं। फिर थोड़ी देर बाद आए तिग्मांशु धूलिया और रामाधीर सिंह ऑफ गैंग्स ऑफ वासीपुर। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने कास्टिंग के बारे में अगर कुछ भी सीखा है तो टिशु सर से, टिशु भाई से सीखा है, क्योंकि तो तिग्मांशु सर अब एक्टिंग से ज्यादा डायरेक्शन पे ध्यान देते हैं। बैंडेड क्वीन हो या वॉरियर, टिशु भाई ने किया था उसके बाद। फिर वहाँ पे हुई एक बैंड परफॉर्मेंस, फिर हमारी बात होती है वन ऑफ द बिगेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया, जिन्हें एक्टर्स का भगवान भी बोला जाता है, मुकेश छाबरा सर से। आप कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है सर? मैं नहीं हूँ सर। आप करोड़ों लोगों की होप है सर, एक्टरों की होप है सर। थैंक यू। तो आप एक्टर में उसमें क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन में कौन सी चीज आप नोटिस करते हैं? हाँ सर बता भी दो, आप क्या नोटिस करते हो? कोई चीज नोटिस नहीं करते। सवाल पूछते हैं, पूछ लो, कल में जवाब देने वाले लगे। आशा की खिड़की है जो कल थी, आज है और कल भी खुलती रहेगी। हुए द परफेक्ट सनराइज एवर इन मुंबई होती है। हम सब छोटे घरों से आए होते हैं, जैसे जिसका आदमी का पूरा नाम बन जाता है ना, उससे कहानी बड़ी अच्छी लगने लगती है। हम सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर सर मुझे और भी काम करना है। अरे पर आप कोशिश करो, बहुत से लोग पुलिस वाले रोल के लिए तड़प रहे हैं। बात तो इन्होंने सच कही है, मुंबई में एक्ट्रेस की तादाद कुछ ज्यादा ही, इसलिए लगता है कि तिग्मांशु सर एक्टिंग छोड़ के डायरेक्शन में घुस गए हैं। एक बहुत सीनियर एक्टर थे इफ्तिकार साहब, जिन्होंने जिंदगी भर पुलिस वाले का रोल किया है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी उनको पूरी दुनिया जानती थी, बिकॉज पुलिस वाले रोल की वजह से ही जानती थी। थैंक यू। तो ये तो सोच के ऊपर आया, तो खुश रहा या दुखी रहा? बिल्कुल सर, फैक्ट है सर। मैंने सुबह की फ्लाइट से आया था, 4 बजे को सक्सेसफुल हो गया था। इसका सवाल कुछ ज्यादा ही लंबा था और ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही फनी। कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में, जैसे पहले एक्टर थे, जैसे शाहरुख करते हैं, मैं बास्केटबॉल खेला उनको शायद पहले नहीं आता। वो वाली बास्केटबॉल को बास्केटबॉल खेलना नहीं बोलते हैं, तो प्लीज जो भी होते थे चट्टे में हॉकी प्लेयर चाहिए थे अपने को, जंगल में अपने को कुश्ती दिखाया था, सुरमा में हमने हॉकी दिखाया था, तो वो प्रॉपर मैच अलग होता है। तो सिर्फ बास्केटबॉल की तो बात कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। बात तो सही है, आदमी सक्सेसफुल हो जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। आपका जैसे क्या होता था, क्योंकि मैं फिर से बोलता हूँ, 15 साल पहले जब ये काम शुरू किया था इंट्रो लेने का, क्योंकि पहले लोग ना बहुत पोर्टफोलियो भेजते थे, फोटो भेजते थे, उसमें सबके सब ना सलमान खान ही दिखाई देते। फिर एंट्री होती है अनुपम खेर सर की, उसके साथ हमारे बीच में आके मेरा कॉल शुरू, अनुपम खेर सर। और इनको स्टेज पे चढ़ने के लिए सीढ़ी ही नहीं मिल रही थी। लव यू यार, अच्छा आ जाओ, फाइनल आ जाओ।
मेरे दोनों गुरु एक साथ एक स्टेज पे मेरे सामने खड़े तो कितना अच्छा लगता है। और ये काफी ज्यादा फनी है, इनकी बातें आगे सुनिएगा, आपको मजा ही आ जाएगा। Well, we have two legendary and profound actors and directors on stage. Can we all please make some noise for Anupam Kher and Digmanshu Dhulyanka? एक एक्टर के लिए दो दिग्गज कलाकार एक साथ स्टेज पे देखना काफी बड़ी बात है। बहुत सारे एक्टर्स होंगे। सारे ही हैं। कितना अच्छा डिसीजन था मेरा एक्टिंग नहीं करने का। नहीं, ड्रामा स्कूल में मैंने स्पेशलाइज किया था एक्टिंग में ही। फिर मुझको लगा कि तादाद बढ़ाने से अच्छा पीछे हट जाओ और डायरेक्शन में चला जाओ, फिर उसके बाद एक्टिंग जब हुई तो हुई। क्या हम लोग को भी काम दो। हाँ यार, तुम लोग को थोड़ा वैसे ये है, मुकेश जी तो है ही, सबको बहुत प्रोत्साहन देते हैं, बहुत सारा काम देते हैं और आप लोग और हमारे बीच में बहुत बड़ा जरिया है। और उनकी जो कोशिश है खिड़कियाँ, कई सालों से यहाँ आता हूँ, 26 साल में तो कम से कम बहुत सारे नए लोगों से परिचय हो जाता है और यही इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, नए लोगों से मुझे तारुफ। बहुत मेहनत भी जरूरी है। तो आप लोगों में से कितने लोग अभी तक एक्टर से मिल चुके हैं, कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिए। चीजें मुकेश बता चुके होंगे आपको या बता रहे होंगे, मेहनत का और ईमानदारी का कोई अल्टरनेट नहीं है। पिछले 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 540 फिल्में कर ली हैं, मगर अभी भी लगता है 540 फिल्में, ये नंबर कुछ ज्यादा ही बड़ा है। और इतनी ज्यादा मूवी करना एक एक्टर के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। ये उस सेंस ऑफ वंडर वाले इंसान को जाने नहीं दिया। मैं कभी वेटरन बनना नहीं चाहता हूँ, मैं कभी अपने आप को वेटरन, थेस्पियन, लेजेंड नहीं कहलाना चाहता, हमेशा चाहता हूँ, इसलिए मुझे कभी इंट्रोड्यूस मत करना थेस्पियन, लेजेंड और वेटरन, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट एंड द न्यूएस्ट एक्टर इन द कंपनी। जिसपन बहुत अच्छा है एक्टिंग सीखने के लिए, तकलीफ बहुत अच्छी है एक्टिंग सीखने के लिए, ऐसा महसूस करना कि मेरा कुछ नहीं हो रहा वो भी बहुत अच्छा है। कोई भी सिचुएशन अच्छी है अगर आपने गिव अप नहीं किया। ये तो बात है, कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना चाहिए और काम करते रहिए। खिड़कियों से बड़ी अच्छी लाइनें यार कुछ याद आ रही है कि मैं ऐसे क्या बोल रही हूँ, निर्षार है कि मैं ऐसे जमघटे में खो गया हूँ, मैं ऐसे जमघटे में खो गया हूँ जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। खुली है खिड़कियाँ हर घर की लेकिन गली में झांकता कोई नहीं है। रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, चलूं तो रास्ता कोई नहीं है। लेकिन आप लोगों को रास्ता ढूंढना है। मुकेश आपका विदुर कहते हैं, देखो एक्टर्स के पेट पे तो लात मार ही रहा, डायलॉग राइटर्स के पेट पे भी लात मारने वाला है। तो मुकेश छाबरा सर कास्टिंग डायरेक्टर तो है ये, वो साथ साथ एक्टिंग भी करते हैं। All of you get an opportunity to work with both of us as actors. Yes sir, one day it will be. तो बात यहाँ ही खत्म नहीं होती। इनके इतने अच्छे स्पीचेस के बाद थोड़ी देर बाद एक बैंड परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। तो मैं और भी बहुत सारे एक्टर्स से मिला था इस थिएटर फेस्टिवल में, जो मैं दूसरे पार्ट में अपलोड करूंगा क्योंकि ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए।